फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में, दोनों पेपर में भी आ सकता है। और मोस्टली इस पे क्वेश्चन आपको हर पेपर में घुमा फिरा के मिलता ही है। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया में रिन्यूएबल पावर का, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना पोटेंशियल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्जाम में हमें लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है कि इंडिया के क्या टारगेट रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, कितना पोटेंशियल है, किसका ज्यादा पोटेंशियल है, किसका कम पोटेंशियल है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते रहेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में सोलर पावर का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। लगभग जितना भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है उसका 68.2% जो है वो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। ये है लगभग आपका 7,48,990 मेगावाट का पोटेंशियल है सोलर पावर का इंडिया में। तो ये पहले स्थान पे है, इसका पोजीशन जो है फर्स्ट है। दूसरा पोजीशन जो है वो है आपका विंड पावर का। विंड पावर का अगर आप परसेंटेज में पोटेंशियल देखें तो लगभग 27.5% पोटेंशियल जो है विंड पावर का है इंडिया में, जो लगभग है आपका 30,225.1 मेगावाट का। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो हमारा लगभग बच जाता है 4.2% जो होता है आपका 46,224 मेगावाट का, वो अलग अलग सेक्टर में हमने फर्दर डिवाइड किया है। जैसे कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 1.9% का इनका पोटेंशियल है, और जो बैठता है आपका 21,134 मेगावाट का। इसके बाद में बायोमास पावर 17,536 जो कि 1.6% है, और उसके बाद में आपका को जनरेशन बगास का जो है वो 5,000 है जो लगभग 0.5 है, और लास्ट में आपका आता है वेस्ट टू एनर्जी जो लगभग 0.2% का पोटेंशियल है, जिसका ये है हमारा 2,554 मेगावाट का। तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। सबसे पहले तो आपको इस स्लाइड को ऐसे ही अपने नोटबुक में बना लेना है कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे, जितने भी पोटेंशियल मैंने यहाँ पे दिए हैं इस स्लाइड में लिखे हैं, तो आपको टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का कितना पोटेंशियल है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप इनको सेक्टर वाइज, सोलर का इतना है आपका, विंड का इतना है, अदर में हाइड्रो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इतना है, आपका बायोमास इतना है, को जनरेशन आपका बगास का इतना है, वेस्ट टू एनर्जी का इतना है, आप इनका मेगावाट में वैल्यू भी लिखेंगे और परसेंटेज का भी लिखेंगे। तो इससे आपका एक बहुत अच्छा डाटा बन जाएगा। मेरा जो पिछला वीडियो है जिसमें टारगेट्स की बात की है मैंने, एक शायद आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, उसके साथ में आप इसे भी याद करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो मेरे बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं किसी वजह से, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आप हमसे जुड़ सकते हैं। इनवायरो अकेडमी लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्वायरमेंट के सेक्टर में। हम JRF स्पेशलिस्ट हैं इन्वायरमेंट साइंस में। हजारों बच्चे जो हमसे एसोसिएटेड हैं नेट JRF क्लियर करते हैं। हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराते हैं। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, फ्री में नोट्स देते हैं, बुक्स देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं। यूट्यूब पे तो हमारी लगभग 750 वीडियो पड़ी ही हैं, आप सभी ने देख ही ली होगी। इसके लिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना बच्चों, ये जो नंबर है मेरा 7696180020, इस नंबर पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस और जगह का नाम लिख के व्हाट्सअप कर देना है, और हमारे नंबर को, इनवारो अकेडमी के नंबर को सेव कर लेना है। हम आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे और बच्चों आपको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, बुक्स मिलनी शुरू हो जाएगी, नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका हम किसी भी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप हमें
टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो बच्चों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बच्चों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहो बच्चों।